आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ग्लोबल लेवल का डेंजरस रिस्क बनता जा रहा है। वो जो रिस्क है वो इस लेवल तक बना हुआ है कि WHO ने भी उसे टॉप 10 हेल्थ रिस्क में रखा हुआ है, और वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी कि जो बीमारी ठीक करने के लिए हम लोग दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी पे असर करना बंद कर रही है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम के एक एंटीबायोटिक की खोज की, जिसके बाद धीरे धीरे दुनिया में नए एंटीबायोटिक की खोज होना स्टार्ट हुआ। एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिंस जो कि मॉडर्न मेडिकेशंस में बहुत सक्सेसफुल साबित होती थीं और टीबी, टाइफाइड और फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में काम आती थीं, आज उन्हीं ड्रग्स का रेजिस्टेंट पावर बढ़ता जा रहा है, जो कि जानलेवा खतरा साबित हो रहा है। सो द एंटीबायोटिक्स वंस वी रेफर टू, वी टॉक अबाउट ऑल दोस मेडिसिंस व्हिच एक्ट ऑन वेरियस इन्फेक्शंस दैट कम इनटू आवर बॉडी। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बैक्टीरिया, but fungus, viral and other types of things which also come into body, there are medicines to control that. So these antibiotics have specific mechanism in which they act on the cells of these bacteria, viruses and fungus, and they bring about damage or changes in their functioning, due to which their function, normal functioning is destroyed. NCDC के रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 25,000 से ज़्यादा केस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस थे, वहीं 2021 में ये बढ़कर 1,19,000 तक पहुंच गए। The problem starts when we misuse antibiotics. Normally there is a set pattern in which a particular dosing should be given, particular duration of treatment should be given, and few antibiotics work on only few types of organisms while others work on other. So a proper antibiotic as per the culture should be given. Further, sometimes some infections like common flu, they don't need antibiotics, but most of the time few of the doctors just keep on prescribing these antibiotics without any need. So this brings about a misuse of antibiotic, in which antibiotic is prescribed when it is not needed. Antibiotic is prescribed in an improper dose which doesn't act on the microorganism. Thirdly, antibiotics is not given for a specific time duration. Is it, if sometimes it is less, sometimes it exceeds requirement. So all these changes allows these microorganisms to bring about changes in their body, due to which they develop a resistance. पेशेंट्स किस तरह से एंटीबायोटिक का मिसयूज करते हैं विदाउट प्रॉपर डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के लेते हैं, इसी बारे में जानने के लिए हमने एक पेशेंट से बात करी, पर वो अपनी आइडेंटिटी बताने में कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए हमने उनकी आइडेंटिटी बदल दी है। 6 महीने पहले का बात है, क्या काम हम करते थे तो ऐसे बुखार उखार होता था थोड़ा बहुत, तो बुखार फिर ठीक नहीं होता था हमारा, कुछ दिन दवाई लिए उकरा बाद भी कुछ उतना फर्क में नहीं दिखा शरीर में, देह ऐसे ही दुखाते ही रहता था, बुखार उतरता नहीं था। फिर ऐसे लगा लीजिए हमारा स्थिति बहुत खराब हो गया था, दुकानों का नहीं रहता है गांव में छोटा छोटा, हाँ दवाई का दुकान उसमें चले जाते थे, वहां से बोल देते थे कि बुखार भइल बा, बुखार के मतलब बुखार हुआ है, दवाई दे दीजिए, तो बुखार के दवाई वो लोग दे देते थे। तो बाद में वो जब दिखाए शहर में जाके डॉक्टर से, तो वो टाइफाइड बताए थे, फिर उसका इलाज वाला चला, तो काफी टाइम लग गया ठीक होने में। तो शरीर में हमने एक फार्मासिस्ट से भी बात करी, जो कि बता रहे हैं किस तरीके से आपको बाहर दुकान पे आसानी से एंटीबायोटिक मिल जाती है विदाउट प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। गवर्नमेंट में देखिए तो गवर्नमेंट में तो प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया जाता है, और उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं लिखी होंगी तो एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, लेकिन लेकिन जो बाकी फार्मेसीज है वहां पे ये एज अ ओटीसी चली जाती है, ऑन द काउंटर अबव द काउंटर चली जाती है, मतलब तेरे पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तू जाएगा उनको कहेगा जी मेरे को एमोक्सिलिन का पत्ता चाहिए, जी मुझे एजिथ्रोमाइसिन का पत्ता चाहिए, जी मुझे ऑगमेंटिन चाहिए, मेरे को सिफिलेक्सिन चाहिए, ये एंटीबायोटिक्स है, तो वो तुम्हें फट से दे देंगे विदाउट एनी इशू। सबसे ज्यादा जो डेंजरस अगर मैं कहूंगा तो बैक्टीरिया की बात करूं, क्योंकि आजकल MDR, XDR, MDR हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, XDR मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और एक अब TDR टर्म भी आ गया, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब कि किसी MDR में
काफी हद तक कॉमन दवाइयां काम नहीं कर रही। एक्सडीआर में ऑलमोस्ट 80-90% दवाई काम नहीं करेगी। टोटल ड्रग रेजिस्टेंस में जितनी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स है काम नहीं करेगी। और हम कुछ बैक्टीरिया जो खासकर इतने डैमेजिंग है कि अगर बॉडी में नहीं कंट्रोल हो तो वो कुछ दिनों में ही आपकी बॉडी में इतनी ऑर्गन फेलियर कर सकते हैं कि आपकी डेथ तक हो सकती है। वहीं WHO के मुताबिक 2019 में 1.27 मिलियन डेथ ग्लोबली सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई। इस रेजिस्टेंस के बढ़ने के पीछे जो कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन जैसे प्रॉब्लम्स भी इसके रीजंस माने जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये प्रॉब्लम पिछले 2 साल या कोविड के टाइम से नहीं है। इसका डिस्कशन हमारे मेडिकल फोरम्स में मेरे ख्याल से 10-15 साल से ज़्यादा से चल रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जितना रेजिस्टेंस 10 साल पहले था, इस टाइम पे रेजिस्टेंस पैटर्न और ज़्यादा ख़राब हो गया है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इवॉल्विंग प्रॉब्लम है। हम नई दवाई को बनाते हैं, हम नई दवाई या पुरानी दवाइयों के कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। जब तक वो कॉम्बिनेशन काम करना शुरू करता है, कुछ सालों में देखते हैं वो भी रेजिस्टेंट हो गया। WHO के मुताबिक 2050 तक वर्ल्ड हेल्थ केयर पे एडिशनल $1 ट्रिलियन का बर्डन आएगा AMR की वजह से। सालों की रिसर्च लगती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। एंटीबायोटिक कोई भी आती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो जब एंटीबायोटिक बनती है तो अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। पहले लैब टेस्टिंग होती है उसकी, फिर उसके बाद थोड़े से समटाइम्स एनिमल स्टडीज होती हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ ह्यूमंस पे स्टडी करी जाती है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं इन दवाइयों के। हैं तो केमिकल ही जो बाहर से आ रहे हैं। और अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, नई एंटीबायोटिक्स हमारे पास काफी रिसर्च के बाद भी नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि अगर इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट करेंगे तो आपको एंटीबायोटिक की यूजेज ही नहीं रहेगी। दूसरा तरीका है, आप किस टाइप के सिम्टम्स हैं और उस हिसाब से कौन सा बैक्टीरिया सबसे कॉमन है, तो उस हिसाब से प्रॉपर दवाई यूज करें, प्रॉपर डोज में यूज करें, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए यूज करें। साथ ही साथ अगर शुरू में आपने कोई दवाई शुरू करी है, साथ साथ कल्चर भेजें कि जैसे ही 2 दिन में कल्चर की रिपोर्ट अवेलेबल हो तो दवाइयों में क्या बदलाव करना है टाइमली हो जाए। जितना डिले होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके अलावा जहां एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है वहां अवॉइड करें। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोग इस चीज से बच सकते हैं, पर उसके लिए आपको खुद ही इसको सतर्क होना पड़ेगा। मिसयूज ना करें दवाइयों को, ओवरयूज ना करें, अब्यूज ना करें। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, उनसे प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लें, अपने पूरे टेस्ट कराएं, उसके बाद ही मेडिकेशंस अपनी स्टार्ट करें। यही एक तरीका है जिससे कि इस रिस्क से बचा जा सकता है। आप देख रहे थे मोजो स्टोरी, मैं सक्षम शर्मा, कैमरामैन अनूप के साथ।